वेलकम टू मॉम्स डायरीज। आज मैंने 8 महीने से बड़े बच्चों के लिए ओट्स खिचड़ी बनाई है, जिसे आप 10 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। और ये ओट्स खिचड़ी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ओट्स लिए हैं। ये क्वैकर कंपनी के रोल्ड ओट्स है। इसे 2 मिनट के लिए भून के ले। ओट्स की खुशबू आने लगी है, इसका मतलब ये अच्छे से भून चुके हैं। इसे निकाल लें। अब एक पैन में 1 चम्मच घी डालें। इसमें 1 चुटकी राई, 1 चुटकी जीरा, 1 चुटकी हींग और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डालें और थोड़ी देर के लिए भून के लें। अब 1 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ गाजर डालें और थोड़ी देर भूनें। गाजर मैंने ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत हेल्दी है। अब इसमें 1 कटोरी पानी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करें और ढककर 2 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें ओट्स डालें और मिक्स करें। अब 1 कटोरी पानी और 1 चुटकी नमक डालकर मिक्स करें और इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएं। ओट्स अच्छे से पक चुके हैं, इसे इस तरह मैश करके लें। जरूरत के अनुसार इसमें पानी ऐड करें। अब ये रेडी है। 8 महीने के बाद बच्चों को इस तरह मैश किया हुआ ही खाना दें। प्यूरी फॉर्म या मिक्सी का पिसा हुआ खाना बिल्कुल ना दें, क्योंकि फिर बाद में बच्चे खाना ठीक से नहीं खाते हैं। आप इस ओट्स खिचड़ी को ज़रूर बनाएं, क्योंकि बच्चे वही मीठा खाना खा के बोर होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा थोड़ा अलग तरह का खाना ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मॉम्स डायरीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।